से बात हो गई ना, उसको भीम बुलाओ, भीम को भीम बुलाओ जाइए मोड़ लंबे मुड़ जाएगी। गाड़ी इधर मंगाइए अपनी जल्दी, गाड़ी अपनी गाड़ी मंगाइए जल्दी से। लाने तो गए लाओ जल्दी लाओ भाई, आगे ले आओ आप लोग, आगे बढ़ो। हाँ सर, आज किस तरह का क्या यहाँ हुआ है सर? यहाँ पे चेकिंग चल रही थी शाम को, थोड़ी आउटर रोड थी उसको दृष्टिगत रखते हुए मूवमेंट की सूचना मिल रही थी बराबर कि नहीं इसको होता है सामूहिक तत्वों का। उसी बीच एक मोटरसाइकिल आई जिसमें 2 लोग बैठे थे और उन्हें रोका गया तो वो रुके नहीं, जब उनको थोड़ा सा दौड़ाया गया तो फायरिंग कर दी हमारे पर, जिसमें एक हमारे सुरेंद्र मौर्य नामक कांस्टेबल की चोट आई है बाहर में, उसको गोली लगी है। उसे क्रॉस फायरिंग हुई पुलिस की, जो उसको रोकने का प्रयास किया कहा गया, लगातार वो फायरिंग करता रहा। एक व्यक्ति बदमाश जो रिशु सिंह है उसके दाहिने पैर में चोट लगी हुई है, उसको अस्पताल भेजा गया तुरंत यहाँ से ट्रीटमेंट के लिए फर्दर, और एक भगा हुआ है। अभी उससे पूछताछ करने वालों चलेगा जो भगा हुआ बदमाश वो कौन है, जानकारी की जाएगी। लगातार हमारी कॉम्बिंग टीम भी काम कर रही है। सर रिशु सिंह कौन है सर, काट क्या है? अभी तक जो हमने जानकारी की तत्काल मौके पर रिशु सिंह जो हमारे जेबी माल में दोहरी हत्याकांड हुई थी उसमें वांछित था, जिसे 50,000 रुपये का इनाम था और उसके लगातार हम लोग तलाश कर रहे थे। उसके मूवमेंट लगातार कोशिश हो रही थी कि गिरफ्तार किया जाए। आज जब उसे गिरफ्तार करने के लिए उसको ललका रोका गया तो वो पुलिस पार्टी ने फायरिंग किया। कितनी गोलियां चली सर? यहाँ भी दिखवा रहे हैं कितने कारतूस हैं, कई खोखे दिख रहे हैं, वे उसको गिरवा रहे हैं, खुजवा रहे हैं। कौन सा थाना आता है सर? ये बॉर्डर है, शिवपुर और लहरतारा का बॉर्डर है। जिस तरह दिन दहाड़े मॉल में घटना हुई थी, कहीं ना कहीं ऐसे अपराधियों को हौसला बुलंद हो रहा था। कितने दिन से पुलिस इसकी तलाश कर लगातार, जब से 31 की घटना हुई थी तभी से इसकी तलाश थी और कोशिश की जा रही। उसमें 3 अभियुक्त पहले ही अपनी जानकारी में गिरफ्तार होकर जेल जा चुके थे, इसके लिए भी लगातार टीम हमारी क्राइम ब्रांच की लगी हुई थी और आज इसको गिरफ्तार करने के ही प्रयास में एक क्रॉस फायरिंग हुई जिसमें इसको चोट आई है, पैर में गोली लगी है और हमारा एक कर्मचारी सुरेंद्र मौर्य दिखाया गया। वाराणसी पुलिस ने लोहता के जो किशोर पुल के पास है वहाँ पर एक एनकाउंटर की बात सामने आई थी, जिस तरह लगभग 1 घंटा तक पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ भी चली है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी वो पिस्टल और बाइक पड़ी हुई है। एक शातिर बदमाश है ऋषि सिंह, 50,000 का इनामी बदमाश बताया जा रहा है, वही फिलहाल घायल हुआ है। और उसके साथ ही क्राइम ब्रांच का एक सिपाही है सुरेंद्र मौर्य, उसको भी गोली लगी है और फिलहाल मौके पर आला अधिकारी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं अभी जांच पड़ताल चल रही है और जो दोनों घायल हैं, बदमाश को भी गोली लगी है और सिपाही को भी गोली लगी है, दोनों को अभी अस्पताल भेजा गया है और फिलहाल यहाँ पर पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है। गोपाल मिश्र, ETV वाराणसी।